हैं पल पल। टिकट मांगने के लिए दर्जन भर भाजपा के नेताओं ने शहर के बिजली पोल से लेकर के चौक चौराहों पर टांगे अवैध होर्डिंग्स। नगर परिषद ने दिए सभी अवैध होर्डिंग्स हटाने के आदेश। पल पल फतेहाबाद से राजेश महाबू की विशेष रिपोर्ट। फतेहाबाद में दर्जन भर बीजेपी नेता कानून को ताक पर रखकर टिकट की लाइन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अवैध होर्डिंग्स टांगने की होड़ में लगे हैं। शहर में दर्जन भर नेताओं ने बिजली के सभी पोलों पर शहर के चौक चौराहों में अपने बड़े बड़े होर्डिंग्स टांग रखे हैं। होर्डिंग न केवल शहर की सुंदरता को खराब कर रहे हैं बल्कि सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों का ध्यान भटकाने का भी काम कर रहे हैं। ऐसे में सड़क पर और बाजार में ये होर्डिंग हादसों को न्यौता दे रहे हैं। इस पूरे मामले में जब फतेहाबाद के नगर परिषद के अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि नगर परिषद के बिना परमिशन के ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं। ऐसे में जब इस मामले में संज्ञान लेते हुए इन सब होर्डिंग्स को हटाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा तो उसके साथ साथ इन लोगों को नोटिस भी जारी किया जाएगा। नगर परिषद के AMA पंकज डांडा ने बताया कि शहर के बिजली पर लगे हुए पोलों पर ये जो होर्डिंग है वो एक सप्ताह के अंदर हटवा दिए जाएंगे और जिन लोगों ने कानून की अवहेलना की है और उल्लंघन किया है उनको नोटिस भी जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि 5 अगस्त को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में भाजपा की ओर से एक रैली निकाली जाएगी, यानी जन आशीर्वाद यात्रा जो है फतेहाबाद पहुंचेगी और उसी यात्रा के स्वागत के लिए बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपने होर्डिंग्स शहर के अंदर अवैध रूप से टांग दिए हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की लाइन में लगे हैं और टिकट को लेकर अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करने के लिए इन सभी नेताओं ने कानून और नियमों को ठेंगे पर रख रखा है। आप देख रहे हैं पल पल की खास रिपोर्ट। एक्चुअली जब इलेक्शन होते हैं ना डिक्लेयर तो MC अपनी जगह फाइनल करती है, DC लाल वगैरह जैसे जगह फाइनल करते हैं, वो वहाँ बैनर लगते हैं, बाकी जो भी अनऑथराइज बैनर है वो सारे हट जाएंगे। तो सर ये कितने समय में हटा दिए जाएंगे और जिन लोगों ने परमिशन नहीं लिया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? उनके खिलाफ उसको नोटिस जारी किया जाएगा। कब तक हटाए जाएंगे जी? Within 1 week। तो शहर की सुंदरता को खराब कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे, इनको हटवाएंगे पहले। तो सर जैसे आप कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएंगी, ये लगाए ही क्यों जाते हैं? जब लगाए जाते हैं तब ध्यान क्यों नहीं देता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इतना स्टाफ नहीं है जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत जरूर होती है, लेकिन इसको थोड़े टाइम बाद दूर कर दिया जाएगा। ठीक है सर।